24 नवंबर को सुबह 9 बजे का वक्त था। प्रयागराज से सिविल लाइंस इलाके के करछाना जाने वाली इलेक्ट्रिक बस में आरोपी लारेब हाशमी और कंडक्टर हरिकेश के बीच टिकट के पैसों को लेकर झगड़ा होता है और आरोपी लारेब कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा पर चापड़ से जानलेवा हमला कर देता है, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर टीवी पर इस समाचार के सूरत हाल और अलग अलग एंगल से खबरें बनने लगती हैं। इन्हीं में से एक एंगल है लारेब हाशमी के पाकिस्तान कनेक्शन से जुड़ा हुआ। उसने पुलिस के सामने कबूल किया है कि पाकिस्तानी मौलाना और तहरीक लबैक के फाउंडर खादिम हुसैन रिजवी से वो काफी इंप्रेस है। लारेब की इंटरनेट हिस्ट्री से भी कुछ यही पता चलता है कि वो हुसैन रिजवी के स्पीच यानी भाषण सुना करता था और उसने घटना के बाद जो वीडियो बनाई उसमें भी उसने हुसैन रिजवी का नाम लिया है। तो आज इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में हम आपको बताएंगे कि कौन है पाकिस्तानी मौलाना हुसैन रिजवी और उनसे जुड़े कई इन्फॉर्मेशन भी आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है सुधांशु शिवकुमार। तो चलिए आपको सबसे पहले बता देते हैं कि पाकिस्तानी मौलाना हुसैन रिजवी कौन है। खादिम हुसैन रिजवी बरेलवी विचारधारा के थे और इस्लामिक स्कॉलर, राइटर और तहरीक लबैक ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर थे। वो इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद के जीवन और उनके विचारों पर अपने स्पीच के लिए फेमस थे। हुसैन रिजवी ने पाकिस्तान सरकार में भी काम किया था। कहते हैं कि उन्हें कुरान मुजबानी याद थी और वो इस्लाम धर्मशास्त्री अहमद रजा खान बरेलवी के स्ट्रॉन्ग फॉलोअर थे। अहमद रजा खान का जन्म 19वीं सदी में अनडिवाइडेड इंडिया के बरेली में हुआ था और उन्होंने बरेलवी विचारधारा की स्थापना की थी। खादिम हुसैन ने अहमद रजा खान को श्रद्धांजलि के रूप में रिजवी नाम अपनाया था। जब पाकिस्तान सरकार ने हुसैन रिजवी को लाहौर की पीर मक्की मस्जिद का इमाम बनाया तो उनके भाषण लोगों द्वारा बहुत पसंद किए जाने लगे और उनकी पॉपुलैरिटी भी काफ़ी बढ़ गई। बताते चलें कि पाकिस्तान में उनका और उनकी पार्टी का रुतबा इतना ज़्यादा था कि एक समय उन्होंने पाकिस्तान सरकार को घुटनों पर ला दिया था। खादिम हुसैन रिजवी खुद को पैगम्बर इस्लाम का चौकीदार बताते थे। 22 जून 1967 को एटक ज़िले में उनका जन्म हुआ था। एक सड़क हादसे का शिकार होने के बाद वो व्हीलचेयर पर आ गए। खादिम हुसैन रिजवी की साल 2020 में 54 साल की उम्र में मौत हो गई थी।